जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं अम्बेडकर नेशन से गौतम रत्ना, और आज हम बात कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी की करारी हार पर, और जो एक बहुत दुख की खबर है बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती जो बसपा सुप्रीमो और चार बार यूपी की मुख्यमंत्री रही। तो मैं इसके कुछ पीछे इसके उसमें ले जाना चाहता हूं आपको कि हारने के क्या कारण हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते, और इतनी बुरी स्थिति में पार्टी का जाने का एक बहुत ही दुखद है, और इसके पीछे कारण क्या है उस पर हम बात करें। तो साथियों, मैं आपको ले जाना चाहता हूं कुछ जो साहब काशीराम जी के जो उस टाइम के जो नारे थे उन पर मैं ले जाना चाहता हूं आपको, और जो आज बहन जी के जो नारों में जो उनके तब्दील हुआ है, जो साहब काशीराम के कोट हैं और बहन जी के जो कोट हैं। तो सबसे पहले तो मैं साहब काशीराम जी के जो कोट हैं, जो समाज को उनके उन्होंने जो नारे बनाए उस पर कितना गहन अध्ययन करके वो लिखते होंगे, और क्योंकि मुझे एक अनुभव भी है, क्योंकि सन 1984 के अंदर मैं बहुजन समाज पार्टी से जुड़ गया था और लगातार काम भी किया। साहब काशीराम जी के जो कोट हैं, जो नारे हैं, वो कितना गहन अध्ययन करके लिखते होंगे या लिखते थे। सबसे पहले तो मैं आपको उनके जो कोट हैं काशीराम साहब के नारे हैं उनको मैं आपको जरूर एक बार सुनाना चाहता हूं, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों को कुछ नारे पता हो, कुछ कोट पता हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हर हमारे बहुजन समाज के हर साथी को उनके कोट का याद होगा। एक उनका नारा था, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। दूसरा था, ठाकुर बामन बनिया छोड़ बाकी सब है DS4। ये जब वो DS4 चलाते थे उस टाइम की बात है। मिले जब उन्होंने मुलायम सिंह के साथ समझौता किया तो उन्होंने एक नारा लिया, नारा दिया, मिले मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम, या मिले मुलायम काशीराम हवा में हो गए जय श्री राम। 85 पर 15 का शासन मंजूर नहीं, मंजूर नहीं, न्याय चाहिए तो शासक बनो, हमारी लड़ाई सबसे नहीं उनसे है जो जाति मानते हैं, और उनसे है जो जाति परोसने वाले धर्म शास्त्र को मानते हैं। वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती वो समाज राजनीति में कभी टिक नहीं सकता। तो यहां पर एक सोचने का विषय है कि जो बहन जी ने जो राजनीतिक आंदोलन तो चलाया, लेकिन जो सामाजिक आंदोलन काशीराम साहब चलाते थे वो सामाजिक आंदोलन बहन जी और बहुजन समाज पार्टी या उनके जो भी पदाधिकारी हैं, या वो चाहे जोन कोऑर्डिनेटर हो या जिला अध्यक्ष हो या कोऑर्डिनेटर हो, उन्होंने सामाजिक आंदोलन को बंद करने का काम किया। एक ये बहुत बड़ा कारण है मायावती और BSP। तो जाति हिंदुत्व की वो दुर्गंध है, जाति हिंदुत्व की वो दुर्गंध है जिसने सारे विश्व को दूषित कर दिया है। बाबा साहेब के बच्चों के बगैर इस देश का शासन नहीं चलने दूंगा। मैं कोई नेता नहीं हूं, थोड़ा ज्यादा काम करता हूं, इसलिए कार्यकर्ता मुझे बड़ा कार्यकर्ता समझते हैं। तो देखिए कितनी बड़ा साहब काशीराम जी का था, वो खुद कहते थे मैं कोई नेता नहीं, और आज बहुजन समाज पार्टी को अगर देखें तो यहां पर सिर्फ नेता हैं, कार्यकर्ता नहीं है। जब तक जाति है तब तक मैं इसे अपने समुदाय के लाभ के लिए उपयोग करूंगा। यदि आपको कोई तकलीफ या समस्या होती है इससे तो कास्ट सिस्टम को समाप्त करें। ये ब्राह्मणवादी ताकतों के लिए ऐसा उन्होंने कहा कि अगर मेरे ये काम करने से कि मैं जाति की बात करता हूं और उस जाति को उसका एक रिप्रेजेंटेशन दिलाने की बात करता हूं, अगर उससे आपको तकलीफ होती है तो आप जाति व्यवस्था को ही क्यों नहीं खत्म करते। अगर जिंदगी में हम पीछे रह गए हैं, इसके पहले दोषी हम खुद हैं, कोई दूसरा बात में है। जिस तरह से हम ब्राह्मणवादी या दूसरे लोगों पर आरोप लगाते हैं कि हम हमारा SC ST और हम बहुजन समाज
पीछे रह गया है, तो उनके लिए भी उन्होंने संदेश दिया और उनको एक जगाने के लिए कोशिश की कि हम दूसरों पर आरोप लगाना छोड़ें, अगर हम पीछे हैं आज देश के अंदर तो हमारी उसके जिम्मेदार हम खुद हैं, क्योंकि हम समाज की तकलीफों पर और समाज के लिए हम काम करना नहीं चाहते। जब हम मजबूत हो जाते हैं अपने आप में तो सिर्फ अपने व्यक्तिगत तक ही हम सीमित हो जाते हैं। जब तक इस देश से छुट्टी देने वालों की छुट्टी नहीं कर देता, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ये वाक्य उन्होंने ये इसलिए लिखा साहब काशीराम जी ने, क्योंकि एक घटना उनके जीवन में जो उन्होंने देखी थी, एक वाल्मीकि समाज के कार्यकर्ता, गवर्नमेंट जॉब के, जो भामसेव के या बीएसपुर के कार्यकर्ता थे, वो 14 अप्रैल पर जब छुट्टी मांगने गए अपने अफसर के यहाँ, जहाँ वो ब्राह्मणवादी अफसर उस सीट पर बैठा था, तो उसने छुट्टी देने से इनकार कर दिया था। तो उसके एवज में साहब ने एक ये फॉर्मूला दिया कि मैं ऐसी तैयारी कर रहा हूं कि जो छुट्टी देने वाले जो लोग हैं, मैं उनकी ही छुट्टी कर दूंगा। अभी तक मैं कांग्रेस की तरफ ध्यान दे रहा था, अब वो नष्ट हो गई है और अब मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ ध्यान दूंगा। तो एक बहुत ये बहुत बड़ा एक उनका एक संदेश जो है बहुत ही तर्कशील और तथ्यपूर्ण है और आज भी है। साहब काशीराम अपने रहते हुए कांग्रेस को खत्म कर गए, लेकिन अगर आप आज देखेंगे तो जिस भाजपा को वो खत्म करने के लिए उन्होंने ध्यान देने की बात की है, आज उस भाजपा के आगे पीछे बसपा कहीं ना कहीं उसकी विचार और उसकी आइडियोलॉजी को फॉलो करती दिखती है। एक बहुत बड़ा कारण है ये बसपा। मैं अंबेडकर फूले आंदोलन के लिए जीता और मरता हूँ, जाति छोड़ो समाज जोड़ो। तो बाबा साहब का जो पूरा जीवन और मरण जो उन्होंने तय किया, वो अंबेडकर फूले और पैरियर की विचारधारा के लिए तय कर लिया था। जाति तोड़ो समाज जोड़ो, मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सुना कि हमारे देश में कितनी जातियां होंगी। ये काशीराम साहब का रिसर्च था, 6,743 जातियों का उन्होंने कच्चा चिट्ठा इस भारत के देश के अंदर निकाल के रखा, उस पर अध्ययन किया, उनको निकाला पूरे देश से, और उसी के एवज में 6,743 जातियों को इकट्ठा करने के लिए उन्होंने आंदोलन चलाया, जाति तोड़ो समाज जोड़ो। सम्राट अशोक का भारत बनाना, सम्राट अशोक का भारत बनाना है, जब तक हम शोषकों को अपनी बनाई और संगठन की शक्ति का एहसास नहीं करवा देते, तब तक वो अपनी घटिया हरकतें छोड़ने को तैयार नहीं होंगे। यानी जब तक हम जो हमारा संगठन है, चाहे बसपा, डीएसपुर, बामसेट, उसकी इतनी ताकत नहीं होगी कि उसको सामने वाले को उसकी ताकत का एहसास हो, तो तब तक जो आपके साथ अत्याचार या जो घटनाएं हमारे समाज के साथ होती हैं, तब तक वो छोड़ने वाला नहीं है। सम्राट अशोक के भारत की बाबा साहब बात करते हैं। सम्राट अशोक के भारत का मतलब था कि बाबा साहब का जो बौद्ध में भारत था, वही सम्राट अशोक का भारत है। क्या बहुजन समाज पार्टी और मायावती, बहन मायावती और उनके जो कोऑर्डिनेटर, जो बड़े बड़े नेता बैठे हैं, क्या वो सम्राट अशोक का भारत और बाबा साहब के बुद्ध का भारत बनाने की बात करते हैं किसी मीटिंग में? नहीं करते हैं। जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली पर राज करेगा। साहब काशीराम जी ने कहा, जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली पर राज करेगा, यानी कि 85%, जिसमें एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी और साथ में जो 6,743 जाति। बहन जी ने उसको तब्दील किया, बसपा ने उसको तब्दील किया उसके सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय। जो बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, और जो बात करते थे साहब काशीराम, या जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली पर राज करेगा, जो बहुजन की बात करेगा वो देश पर राज करेगा। क्या बहुजन समाज पार्टी ने उस आंदोलन को, उस उनके कोर्ट को बदलने का काम बहन मायावती जी ने क्यों किया, ये तो मायावती जी ही बता सकती हैं, या उनके जो सीनियर पदाधिकारी हैं वही बता सकते हैं। लेकिन मुझे जो लगता है, मैं जो समझता हूँ, कि शायद ये भी एक बहुत बड़ा कारण है बहुजन समाज पार्टी के लगातार पैराग्राफ के नीचे आने का, क्योंकि एक बार मुख्यमंत्री बनने के बाद बहन जी का पैराग्राफ लगातार नीचे की तरफ जा रहा है पूरे देश के अंदर। तमन्ना सच्ची हो तो,
रास्ते निकल आते हैं, तमन्ना झूठी हो तो बहाने निकल आते हैं। यानी अगर आपको काम करने की और समाज को जगाने की तमन्ना अगर आपके अंदर है और शक्ति है, तो आप उस समाज को जगा सकते हैं, उसको उठा सकते हैं, उसको आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी तमन्ना सच्ची नहीं है और सिर्फ आप नेता बनने के लिए ढोंग करते हैं, तो वो समाज उसके लिए आपके पास बहुत सारे बहाने निकल आते हैं। कहने का मतलब यह है कि अपने अपनी दलीलें दी जाती हैं, जिस तरह से आज बहुजन समाज पार्टी के सब नेता सब जन समाज की दलीलें देते हैं, तो ऐसे बहुत बहाने निकाले जा सकते हैं। तो बीजेपी तीखा जहर है, कांग्रेस मीठा जहर है, तो बीजेपी तीखा जहर है। ये दोनों ही चाचा भतीजे की तरह वाली पार्टियां हैं जो बहुजन समाज का भला नहीं कर सकती हैं। और आज आप देख रहे होंगे कि अभी जो बहन जी की जो पूरा स्ट्रेटजी, जो पॉलिसी उन्होंने इस इलेक्शन में जो उन्होंने लगाई, और जो भी उनके जो उनके विसर्स हैं या उनको सलाह देने वाले लोग हैं या खुद से उन्होंने डिसाइड किया, ये तो वही जाने। लेकिन वो टोटली सिर्फ अखिलेश यादव को रोकने की और अपने वजूद को ना सोचते हुए भाजपा को इनडायरेक्टली सपोर्ट किया गया, जो पूरा राष्ट्र ने देखा है। और उनके इवन की जो कैंडिडेट दिए गए उन्होंने, वो कैंडिडेट इस पॉलिसी के तहत थे कि अखिलेश का कैंडिडेट हारना चाहिए भले ही भाजपा जीत जाए, और वही हुआ भी कि आज बैसापा के पास एक विधायक जीता है। स्वाभिमानी लोग ही संघर्ष की परिभाषा समझते हैं, जिनका स्वाभिमान मरा हो वो गुलाम है। तो जो लोग अपने इज्जत की जिंदगी जीना नहीं समझते हैं या नहीं जानते हैं, वो हमेशा इस देश के अंदर गुलाम ही रहेंगे। यहाँ ये कह रहे हैं वो, इस देश में जाति के आधार पर ही पदों लाभों का वितरण और उत्पीड़न होता है। देश की जनसंख्या के कुल 15% सवर्णों और उनके सहयोगियों ने पदों लाभों और सत्ता के सभी स्रोत व संसाधन हत्या रखे हैं। इसलिए इस अन्यायपूर्ण स्थिति की समाप्ति के लिए बहुजन समाज को एकजुट होकर राजनीतिक सत्ता पर काबिज होने के लिए संघर्ष करना होगा। यहाँ सिर्फ साहब काशीराम बार बार से 85% की बात करते हैं, और यहाँ पर जो मायावती जी हैं वो पूरे जिसमें जनरल कास्ट से लेकर के सर्व समाज की बात करने लगी हैं, और जिसकी वजह से लगातार बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ जारी है। मैं समझता हूं कि देश की सत्ता पर काबिज करने के लिए, काबिज होने के लिए जो 85% समाज है वो काफी है, हमें 15% की साहब काशीराम जी के विचारों के हिसाब से जरूरत ही नहीं है। तो फिर ये जो किया गया, ये बदलाव क्यों किया गया, इसकी वजह यही एक सबसे बड़ा बहुत बड़ा कारण भी है। साहब आगे क्या कहते हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, यानी कि जितना जिसका परसेंटेज होगा, अगर हमारी बहुजन की सत्ता आती है तो हम उसको बराबरी का हिस्सा देने के लिए तैयार हैं। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, जो बुद्ध के जमाने का जो संदेश है पूरे देश में और पूरे वर्ल्ड वाले लोग उसको मानते हैं, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये साहब काशीराम जी ने फॉलो किया, उस पर काम किया। लेकिन आज जब आप देखते हैं तो वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय में तब्दील हो गया। और मुझे लगता है इसी वजह से जो बहुजन समाज के जो लोग हैं, SC ST माइनॉरिटी या जिसको कई लोग दलित भी बोलते हैं, वो इसीलिए बहुजन समाज पार्टी और बहन जी से नाराज हुआ, और इस वजह से वो शायद इस इलेक्शन के अंदर अखिलेश की तरफ कुछ चला गया, कुछ वापस, क्योंकि भाजपा की तरफ ऐसे इंडिकेशन बहन जी और बैसपा कहते हैं कि अखिलेश को हराना चाहे भाजपा जीत जाए, तो कुछ जब भाजपा को ही जिताना तो भाजपा को ही वोट दे दो। एक ये बहुत बड़े कारण है। और एक अब मैं आपको कुछ कोट बहन जी के बताना चाह रहा हूं। पहले तो बहन जी का एक आपको बताना चाह रहा हूं कि बहन जी ने अपने जीवन के अंदर बहुत संघर्ष किया है, और उस संघर्ष के आज तक कोई बहुजन समाज की महिला या बेटी या लड़की या बहन आज तक निकल करके उस मुकाम तक नहीं निकली है या उस लेवल तक नहीं आई। उनके बहुत संघर्षों की कहानियां हैं। जहां तक मुझे याद है, एक बार एक बुलंदशहर के इलेक्शन में बूथ कैप्चरिंग हो रही थी, ये मैंने उस जमाने में अपने किसी एक अखबार में पढ़ा है,
तो वहां पर एक जाट कम्युनिटी वर्सेस जाटर समाज के लोगों की संख्या थी ठीक ठाक, ज्यादा थे वहां पर। जब जाट पीएससी से मिलकर के, पीएससी उस जमाने में लगती थी, कोर्स जो लगती थी, जो वो भी पुलिस भी वहां पर कैप्चरिंग करा रही थी जाट समाज के साथ मिलकर के, और शेड्यूल कास्ट जो जाटर कैटेगरी है उसको वोट नहीं डाले। जब बहन जी तक ये बात पहुंचाई गई बुलंदशहर सिटी के अंदर, तो वहां पर पहुंची और उन्होंने, उस टाइम का ये वाक्य बता रहा हूं कि उन्होंने वहां पर पुलिस वालों से राइफल छीन के और उन पर बट बजाने का काम भी किया। तो इसमें कोई दोहराया नहीं है, लेकिन वो दौर और वो वक्त वो टाइम था, और अभी जो उनका वक्त और दौर है, उन्होंने इस सारे पॉलिसी को, जो ये पॉलिसी थी उनके काम करने की, वो बिल्कुल बदल चुकी हैं। मैं बदल चुकी हैं इसलिए बोल रहा हूं कि आज की डेट में किसी बहुजन समाज के साथ अत्याचार इस तरह की घटनाएं होती हैं तो सिर्फ इनका एक ट्वीट आता है, और वो ट्वीट को आप समझ सकते हैं कि बहुजन समाज खास तौर पर एससी एसटी के लोग कितने पढ़े लिखे हैं जो ट्वीट को हैंडल करते हैं या ट्वीट पढ़ते हैं। जो गांव में रहता है वो ट्वीट नहीं जानता है। तो उनकी बात उस कार्यकर्ता तक, बहुजन समाज के कार्यकर्ता तक कैसे पहुंचेगी? जब पहुंचेगी नहीं तो फिर कौन सा आंदोलन वो चला रही है, ये सवाल एक खड़ा होता है। अब मैं कुछ बहन जी के, और एक कामयाबी जो बहन जी की 2008 में फोर्ब्स, जो दुनिया की सबसे बड़ी एक संस्था है, फोर्ब्स ने मायावती को दुनिया की 100 सबसे बड़ी शक्तिशाली महिलाओं की सूची में 59वें स्थान पर शामिल किया। तो ये उनके जो पहले कार्य थे, और जितनी मजबूती के साथ वो खड़ी हुई और सत्ता, उन्होंने 4 बार सत्ता को, सत्ता पे किया, कब्जा किया, वो भी हमारे देश के सबसे बड़े स्टेट की सत्ता पर, इसलिए उनको इस गिनती में गिना गया। और अब आपको मैं कुछ बहन जी के कोट्स बता रहा हूं। हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये बहन जी ने नारा दिया। और बहुजन समाज बुद्धिज्म बाबा साहब अंबेडकर मान्यवर काशीराम साहब, इस जिन भगवानों की वो बात कर रही है, उनको हाईलाइट कर रही है अपने रैलियों में, अपने प्रोग्राम में, और अभी भी किया गया, उसके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और मान्यवर काशीराम साहब, पैरियर फूले, सावित्रीबाई अंबेडकर, रविदास जी, जितने भी हमारे महान पुरुष हुए हैं, कबीरदास जी, साहू महाराज जी, वो सब इस व्यवस्था के, इस सिस्टम के खिलाफ थे। और मैं समझता हूं कि हमारे जैसे लोग जो काम कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, या प्रैक्टिकली जाकर भी हम लोग काम कर रहे हैं क्षेत्र में, हम, हमारे जैसे बहुत लोगों ने बहुजन समाज को तैयार किया है जो इस व्यवस्था के खिलाफ खड़ा होने का काम करेगा। जो ये विष्णु महेश पंडित, ये जो विष्णु महेश का जो नारा दिया उन्होंने, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, इसको बहुजन समाज एक्सेप्ट आने वाले टाइम में नहीं करेगा। और यही, इस तरह के नारों की वजह से बहन जी की ये करारी हार मैं मानता हूं। पंडित संघ बजाएगा हाथी बढ़ता जाएगा, ब्राह्मणवाद, यानी कि जहां पे पूरा अंधविश्वास लिखा गया और बहुजन समाज पे थोपा गया, आप उसको हाईलाइट कर रहे हैं, आप उसके उसके सिस्टम को मजबूत कर रहे हैं, तो आपको वो बहुजन समाज आपको क्यों वोट कास्ट करेगा, क्यों आपको वोट देगा, क्यों आपको सर पे बैठाएगा, अपना सर का ताज बनाएगा? उससे पहले तो बहुजन समाज ने आपको सर का ताज बनाया। सर्वजन हिताय सर्वजन सिखाए, जैसे मैं पहले भी कहा कि सर्वजन हिताय सर्वजन सिखाए, बहुजन हिताय से बहुजन सुखाय से तब्दील कर दिया सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय को जो काशीराम जी ने परिभाषा दिया वो 85% का होता है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय 100% का होता है। जो 15% को भी आपने इसमें जोड़ लिया, वही बहुजन समाज पर, क्योंकि उसके पास में पैसा से लेकर के, सरकार से लेकर के, आज तक हर बार सिस्टम उसके हाथों में रहा है, और वही बहुजन समाज पर, वही शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइबों पर, उस एससी एसटी भी माइनॉरिटीज पर अत्याचार करता है, तो आपके साथ में वो आपको वोट क्यों करेगा, क्यों कास्ट करेगा? उसके बाद देखिए, और उनका एक कोट, त्रिभुज सम्मेलन में लगे जय श्री राम के नारे, और खुद बहन जी ने त्रिशूल कटार और गणेश जी को उन्होंने अपने आइकॉन के रूप में, अपने जो प्रोग्राम्स किए उन्होंने
इलेक्शन से पहले, उसमें उन्होंने सबको अपना एक आइकॉन के रूप में स्थापित किया। तो ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत इस तरह के जो कारण है, ये बहुत हराने हारने के लिए और उनका नीचे जाने के लिए आई थिंक बहुत काफी हैं। और मैं समझता हूँ कि आई थिंक, मुझे लगता नहीं है कि दोबारा से उनको समाज अब एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि बचपन से सामाजिक मूवमेंट में, सामाजिक मूवमेंट में रहा हूँ। आपने बीपी मौर्य को हाल देखा होगा, जो बीपी मौर्य सर के ताज थे बहुजन समाज, आज कोई पूछने वाला नहीं है। रामविलास पासवान ने काफी काम किया होगा समाज के लिए, कोई पूछता नहीं है। उदित राज अभी भी हैं, कोई पूछता नहीं, समाज नहीं पूछता है। वो मंत्रालय बन जाए, मंत्री बन जाए, किसी पार्टी में चले जाए, रामदास अठावले को समाज नहीं पूछता है। तो भले ही वो कैबिनेट मिनिस्टर हो, लेकिन बहन जी को समाज पूछता था और सर का ताज बनाया बहन जी को। लेकिन बहन जी, मुझे लगता है जो अब तक का, अब जो स्ट्रेटजी उन्होंने अपनाई है पिछले 10-11 साल के अंदर, उससे वो बहुजन समाज का जो ताज का जो एक उनको तमगा मिला, वो धीरे धीरे खुद ही खत्म करने के कगार पर काम कर रही हैं। और बहुजन समाज उसको, हम समझते हैं कि वो पढ़ लिख रहा है, बाबा साहब को पढ़ रहा है, बाबा साहब के आइडियोलॉजी संविधान को पढ़ रहा है, वो अब उनको इस एक्सेप्ट नहीं करेगा। और जो कई कारण है, आपने देखा होगा अभी बहुजन समाज के पार्टी के जिला अध्यक्ष जॉन कोऑर्डिनेटर विधानसभा के, जितने भी पदाधिकारी हैं, पिछले 10 साल का रिकॉर्ड मैं बता सकता हूं। मैं खुद बहुत सारी घटनाओं में जाकर के लोगों को न्याय दिलाने का काम किया है, जिन लोगों ने अत्याचार किया बहुजन समाज पर, उनको जेल भिजवाने का काम किया, अकेले दम पे किया, बिना किसी संस्था के, बिना किसी एनजीओ के और बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी के किया है। बहुजन समाज पार्टी के जो पदाधिकारी बड़े बड़े उस पर बैठे हैं, कोऑर्डिनेटर जोनल, जोन कोऑर्डिनेटर और जिला, वो किसी घटना में वहां पर जाकर के कोई एजिटेशन, किसी डीएम के ऑफिस के बाहर, किसी एसएसपी के ऑफिस के बाहर या थाने के बाहर, पिछले 10 साल से करना उन्होंने ये काम बंद कर दिया। एक बहुत बड़ा कारण है पार्टी का हारने का। जब आप उस समाज की आवाज नहीं बनेंगे तो आपको वो समाज वोट क्यों देगा? उसको जब अत्याचारी सहना है तो आपके, और उसके लिए आप कुछ कर नहीं रहे हैं, तो फिर वो आपके साथ क्यों खड़ा होगा, आपको वोट कास्ट क्यों करेगा? तो ये इस तरह की जो बहुजन समाज पार्टी की पॉलिसी रही है पिछले सालों में, इसीलिए बहन जी का लगातार ग्राफ गिरता जारी है। और जिसको अगर उनको पार्टी को खड़ा करना है दोबारा से, तो मैं समझता हूं कि वापस जो काशीराम साहब के इतने सारे मैंने कोट आपको सुनाया, उन कोट पर, उन विचारों पर, उनके उन नारों पर ही आपको चलना होगा, तब आप बसपा को दोबारा से कहीं खड़ा कर सकते हैं। नहीं तो बहुजन समाज अपना तीसरा रास्ता चुनने के लिए अब वो अवेयर हो रहा है, जागरूक हो रहा है, कोई तीसरा रास्ता विकल्प चुनेगा ही चुनेगा, वो कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दूसरा, अभी हमारे पीछे एक एपिसोड में खुद पार्टी के जॉन कोऑर्डिनेटर एक जितेंद्र राणे सागर, उन्होंने क्या, कितनी बार आपने देखा होगा कि बहन जी के ऊपर सीधा आरोप लगता है कि वहां सिर्फ पैसे का खेल चलता है। जो एक आम गरीब कार्यकर्ता है उसको टिकट तक नहीं मिलता है भाई, जब वो पूरा जीवन आपके पार्टी के लिए लगा रहा है तो उसको भी तो राजनीतिक सत्ता में भागीदारी मिलना चाहिए, लेकिन वो नहीं होता है, वो नहीं हो रहा है अभी भी। जिसके पास ज्यादा पैसा है, जो पार्टी फंड में जो पैसा ज्यादा जमा कर देता है, वहां उसको टिकट मिल जाता है। तो आपका कार्यकर्ता कहां जाएगा, कब तक आपके साथ कार्यकर्ता के रूप में काम करता रहेगा? एक ये भी एक कारण है कि यहाँ पैसे का खेल बहुत बड़ा चलता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, पूरा देश का मीडिया, पूरा देश के लोग और खुद पार्टी के जो एज ए कोऑर्डिनेटर नहीं बोलते हैं, लेकिन जब वो कोऑर्डिनेटर से हटा दिए जाते हैं तो इस तकलीफ को बड़ा, ऑफ कैमरा भी हमारे स्टूडियो में आके बहुत बार रोते हैं। तो इस व्यवस्था को भी बहन जी को खत्म करना होगा। दूसरी बात, मैंने तो इतना तक देखा है कि जहां पर एससी एसटी के साथ अत्याचार हो रहा है, वहां पर बहुजन समाज के नेता उस लड़ाई लड़ने के बजाय उसमें समझौता करने के लिए दलाली का काम भी कर रहे हैं। और ये मैं प्रूफ के साथ बोल रहा हूं, और मैं ऐसे लोगों को उजगार भी करूंगा आने वाले टाइम में, अगर जरूरत पड़ी, अगर सुधार नहीं हुआ तो। तो ये इतने सारे कारण नेगेटिव हैं, तो आप सोच, अगर दोबारा से आप सोच रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी मजबूत होगी, दिल्ली में 15% तक वोट था जब तक हम लोग काम कर, 0.7% पे लास्ट इलेक्शन में उनको
रह गया अभी, अभी तो कैंडिडेट भी मिलने मुश्किल हो जाएंगे मुझे जो लग रहा है इस तरह के हालात से। तो साथियों, मैंने जितना आपको बात रखी है और मैं समझता हूं कि तथ्यों पर आधारित है, कुछ जरूर बहुजन समाज पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनको हो सकता है कि बुरी लग जाए। और हाँ, एक और सिस्टम खराब है। मैं समझता हूं अगर इसको ठीक करना है तो बहुजन समाज पार्टी का जो भी पदाधिकारी बनाया जाए उस टाइम उसके जो फाइनेंशियल असेट्स हैं उसका रिकॉर्ड बहुजन समाज पार्टी के रजिस्टर में या बहुजन समाज पार्टी के पास होना चाहिए, और वो कोऑर्डिनेटर, जिला अध्यक्ष या जॉन कोऑर्डिनेटर बनने के बाद 4 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद उसका फाइनेंशियल अकाउंट चेक होना चाहिए कि वो बिना काम किए फुल टाइम वो पार्टी के लिए काम कर रहा है तो वो आकूत संपत्ति करोड़ों रुपए या कई कई करोड़ रुपए कहां से उसके पास हो जाती है। उसका ये एक बहुत बड़ा जवाबदेही पार्टी के उस पर होनी चाहिए। और अगर पार्टी को मजबूत करना, जहां पर भी एससी एसटी या किसी भी वर्ग के साथ अगर अत्याचार होता है वहां बहुजन समाज पार्टी का पदाधिकारी जब तक वहां पर रहना चाहिए, बैठ जाना चाहिए उसको धरना दे करके, जब तक कि उस व्यक्ति को जिसके साथ अत्याचार शोषण हुआ उसको न्याय ना मिल जाए। लेकिन ऐसा कोई बहुजन समाज पार्टी का कोई कार्यकर्ता और कोई भी काम करने का काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये मैं प्रैक्टिकल बोल रहा हूं, क्योंकि मैं बहुत सारे केसेस को हैंडल कर रहा हूं जहां पर बहुजन समाज पार्टी का ऐसा कोई भी काम नहीं दिख रहा है उस पर, सड़क पर या कहीं भी आम पब्लिक के बीच में। तो साथियों, ये इस तरह की चीजें हैं जो बहुत ही आज हमको बहुत दुख है, दर्द हो रहा है कि हमने 34-35 साल पार्टी के लिए मेहनत की है। तो ऑब्वियसली दुख तो होगा, आपको भी दुख हो रहा होगा, लेकिन उस दुख का कारण आपको अपने अंदर ढूंढना पड़ेगा कि आप क्या कमियां कर रहे हैं समाज के प्रति। आप खाली अपने बंगले बना लोगे, कोठियां बना लोगे, बड़ी गाड़ियां ले लोगे और उस गरीब कार्यकर्ता पर अत्याचार हो उसके लिए भी अगर आप काम नहीं करोगे तो आपके साथ कोई खड़े होने वाला नहीं है। तथ्यों, मैंने जितनी बातें अभी रखी हैं आप सामने तथ्यों के आधार पर है। लास्ट में मैं एक और चीज आपको सामने रखना चाह रहा हूं। आपको लास्टली जो रास्ता है, कल की इज द मास्टर की साहब काशीराम जी जो कहते थे, उससे न्याय मिलता दिख नहीं रहा है। मैंने खुद बहन जी के सत्ता में जाटवों को, पैसे वाले जाटव को, जो पदाधिकारी है बीएसपी का बड़ा, एक गरीब जाटव की जमीन को कब्जा करते देखा है। तो जब इस तरह की व्यवस्था पर आप काम करेंगे तो इसका मतलब है आपके बहुजन समाज में भी आपके पार्टी के लोगों ने एक मनुवाद और एक ब्राह्मणवाद को स्थापित कर दिया, और उसकी जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं से ज्यादा किसी भी पार्टी के हारने या किसी पार्टी के नेगेटिव जाने की जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं के साथ साथ उसके सुप्रीमो, उसके मालिक पर भी उठती है। उस पर भी सोचने की जरूरत है। और दूसरी बात, आप भले ही राजनीति में कुछ भी करें या ना करें, एक चीज और मैं आपसे जरूर कहना चाहता हूं, एक बात, हमें जो न्याय मिल सकता है वो सिर्फ एक संविधान का ही सिंह है कि आप जितना आप संविधान को पढ़ेंगे उतना आप देश मजबूत होगा, न्यायिक व्यवस्था मजबूत होगी और आपके साथ अत्याचार में कमी आएगी, अत्याचार नहीं होंगे। एक कोट में आपको पढ़ के सुना, हम भारत के लोगों को जितना ज्यादा संविधान को स्थापित और पढ़ने का काम करेंगे उतना भारत मजबूत होगा, उतना व्यवस्था मजबूत होगा, तभी जाकर के आपको कहीं बराबरी का हक मिल पाएगा। उत्तम रत्न, आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम खास तौर से बहुजन समाज और पूरे देश की महिलाओं को न्याय दिलाने में कामयाब हो सके। क्योंकि जितना आप ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करेंगे और जितना ज्यादा लोग देखेंगे उतने लोगों के लिए हम ज्यादा काम कर पाएंगे और समाज को मजबूती दे पाएंगे। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, अम्बेडकर नेशन से गौतम रत्ना। रोको मत, हमें टोको मत, हमें आगे बढ़ते जाना है। जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम का नारा लगाना है। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं, और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो
तो हमारे पास में पूरा सेटअप है जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है, सारा ए टू जेड एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद। बुद्धं शरणं गच्छामि। अंबेडकर मिशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अंबेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।